हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सॉर्टेड। और आज का टॉपिक है सम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स। देखिए, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूसेज हमें क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑफन कंफ्यूजिंग। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, तो फर्स्ट वर्ड है इन और इनटू। तो इन का यूज़ कहाँ होता है? स्टैटिक पार्ट में। और इनटू कहाँ होता है? मोशन में। जैसे अगर कोई स्टैटिक पार्ट है, जैसे एंटर इन या एंटर इन टू, तो एंटर क्या है? एक तरह से मोशन में है। तो मोशन में हम अगर हैं तो क्या बोलेंगे? एंटर इन टू। सेकेंड वर्ड है एट और इन। एट यूज़ होता है स्मॉल प्लेस के लिए, इन यूज़ होता है बिग प्लेस के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल एट उत्तम नगर इन दिल्ली। सेकेंड वर्ड के बाद अब थर्ड वर्ड पर आते हैं। थर्ड वर्ड इज़ आफ्टर एंड बिहाइंड। सी, आफ्टर का मतलब होता है पीछे और बिहाइंड का मतलब भी होता है पीछे, लेकिन आफ्टर मीन्स नोबडी इज़ फिजिकली बिहाइंड, जस्ट टू से। बिहाइंड मीन्स समथिंग एक्चुअली बिहाइंड, ठीक है? ऐसा हम बोलते हैं आफ्टर समवन। तो हम लोग फिजिकली किसी के पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन हाँ, अगर वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड समवन, देन वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग बिहाइंड समवन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑन एंड एट। ऑन मीन्स फिजिकली अटैच्ड एंड एट इज पर, जस्ट कहने के लिए, नॉट फिजिकली अटैच्ड। नेक्स्ट इज ऑन स्टैटिक एंड अपॉन इज डायनेमिक। ऑन मीन्स स्टैटिक से रिलेटेड है, अपॉन मीन्स डायनेमिक मोशन से रिलेटेड है। बिसाइड, पास में, नियर बाई, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। नेक्स्ट वर्ड इज इन टाइम, ऑन टाइम। इन टाइम मीन्स बिफोर टाइम, ऑन टाइम मीन्स शार्प ऑन टाइम, दैट इज एग्जैक्ट टाइम। बिटवीन, ये होगा, बिटवीन इज ऑलवेज यूज बिटवीन टू पर्सन्स, एंड अमंग मोर देन टू पर्सन्स। फाइन, नेक्स्ट वर्ड इज अमंग एंड अमंगस्ट। अमंग यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड फॉर मोर देन टू, अमंगस्ट इज यूज बिफोर वॉवल साउंड फॉर मोर देन टू। नेक्स्ट वर्ड इज अमिड and amidst. Amid is countable or uncountable, used before consonant. Amidst, countable or uncountable, used before vowel. Owing to or due to. Owing to is sentence starts with owing to. Due to, sentence cannot start with due to. Next word is with and by. With is used for company. By is for transportation. In and within. In is period of time, within last limit of time, ठीक है, उस समय तक। To and towards. To is towards destination, towards is direction. For example, Harry is going towards school. It doesn't means Harry is going to school. वो school के तरफ जा रहा है, school को नहीं जा रहा है, ऐसा मतलब है, ठीक है। To मतलब exact destination, and towards means only the direction. Next word is up to and on to. Up to means time and distance, on to means only for distance. Next word is across and through. Across, पार करना, and through is गुजरना. Next word is in spite of and despite. In spite of, in spite के साथ of आएगा, and for despite के बाद of नहीं आता है. It's a very कॉमन सिली मिस्टेक वी ऑफन मेक, तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। नेक्स्ट, कंप्राइज एंड कंसिस्ट ऑफ। अगेन, कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आता है, लेकिन हाँ, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। नेक्स्ट, सिंस एंड फॉर। सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ, सिंगल एफ, ओ एफ एंड ओ डबल एफ। एंड फ्रॉम, इन दीज थ्री वर्ड्स हमें ये पता होना चाहिए, ऑफ इज़ फॉर सिंगल एफ, ओ एफ इज़ फॉर पोसेशन, ओ डबल एफ ऑफ इज़ फॉर सेपरेशन, अलग होना। एंड फ्रॉम, फ्रॉम इज़ ऑल्सो सेपरेशन, बट फ्रॉम सेपरेशन जब हो रहा है इन स्टैटिक सेपरेशन ऑफ टू, इट इज़ फ्रॉम। एंड ओ डबल एफ ऑफ सेपरेशन के लिए व्हेन देयर इज डायनेमिक सेपरेशन। ओके, सो दीज वेयर देयर 20। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है सम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर।
जो फर्स्ट एग्जांपल है, सम स्ट्रेंजर्स एंटर्ड इनटू हिज रूम. तो इनटू यहाँ पे क्या है, गलत यूसेज है. ओके, आंसर होगा सम स्ट्रेंजर्स एंटर्ड हिज रूम. नेक्स्ट, इफ़ यू साइन दिस ऑफर लेटर यू विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 years. तो इनटू यहाँ पर सही यूसेज है. नेक्स्ट, My students are into the class. तो into यहाँ पे गलत है, आंसर होगा My students are in the class. Next question is He came in the class very late. तो इनका यहाँ पे सही usage है. He jumped in the river. तो इन यहाँ पे गलत है, आंसर होगा He jumped into the river. Next question है He lives in Uttam Nagar at Delhi. तो यहाँ इन गलत होगा और एट भी गलत है, एक्चुअली में ये रिवर्स होंगे. ही लिव्स एट उत्तम नगर इन दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल है, ही लिव्स इन इंडिया इन एशिया. तो गलत यूसेज यहाँ सही यूसेज होगा, ही लिव्स एट इंडिया इन एशिया. थर्ड एग्जांपल, समबडी वॉज बिहाइंड द ट्री. तो क्योंकि वो यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है, तो आंसर होगा बिहाइंड सही है. नेवर रन आफ्टर मनी. देखिए, मनी के पीछे फिजिकली नहीं भाग रहे हैं, इसका एक परसेप्शन है. तो यहाँ पे आफ्टर का सही यूसेज है. ही इज़ बिहाइंड माई लाइफ दीज डेज. सो ही इज़ नॉट फिजिकली बिहाइंड, आंसर होगा करेक्ट आंसर, ही इज़ आफ्टर माई लाइफ दीज डेज. There was nothing behind the table. तो behind का यहाँ पर correct usage है. Fourth example, your books are at the table. At यहाँ पर गलत है, answer होगा your books are on the table. Who is on the door? It's wrong. On यहाँ पर गलत है, correct answer है who is at the door. Fifth example, the cat jumped upon the table. Upon is correct because it is in motion. The bag is on the table. Okay, this is also correct because bag is static and it is kept on the table. Next example, sixth example. He knows many languages besides French. Bilkul besides yahan par sahi usage hai. He likes tea beside coffee. Again, beside yahan galat ho jayega. He likes tea besides coffee. Ye yahan par correct hai. I did not notice that my friend is standing beside me. Okay, इसके जगह पे यहाँ पर was होगा. Correct usage is I did not notice that my friend was standing beside me. Seventh example, you should be on time because the examination begins in time. This is a very important question. इसको ध्यान से कर देखिए आप लोग. You should be in time because the examination begins on time. Fine. Next, passengers are requested to be on time because the trains are usually in time. तो गलत यहाँ पे usage है, correct answer होगा passengers are requested to be on time की जगह पे in time होगा because the trains are usually on time. देखिए, एक बार मैं फिर से आपको remind करा दूँ कि इन टाइम का मतलब होता है बिफोर टाइम और ऑन टाइम का मतलब होता है शार्प ऑन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम. नाउ एट्थ एग्जांपल, बिटवीन यू एंड आई विच इज़ द बेस्ट प्लेयर. सी, मेनी थिंग्स आर रॉन्ग हियर, करेक्ट यूसेज है बिटवीन यू एंड मी विच इज़ द बेटर प्लेयर. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट these books between all these students. Again, क्योंकि यहाँ पर more than two है तो among का usage होगा, तो correct answer is distribute these books among all these students. Ninth example, which is your brother among these boys. तो बिल्कुल question का जो structure है वो सही है. दो महात्मा गांधी is not among us but his name will remain amongst us. Correct usage is दो महात्मा गांधी is not amongst us yet his name will remain amongst us. Question number 10,
amid honest dishonesty cannot survive. तो करेक्ट आंसर इज amidst honesty dishonesty cannot survive. There is a beautiful house amid those mountains. तो करेक्ट स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, बिल्कुल सही है ये, amid ही होगा यहाँ पे. Due to heavy rain he could not come to office. तो आंसर होगा owing to, ड्यू टू से नहीं स्टार्ट होगा सेंटेंस, owing to heavy rain he could not come to office. नेक्स्ट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल ड्यू टू हिज इलनेस. तो क्योंकि बीच के सेंटेंस में ड्यू टू है, बिगनिंग में नहीं है, तो ड्यू टू यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन ओपन दिस डोर बाई दिस की. तो बाई यहाँ गलत है, आंसर होगा विथ दिस की. ही केम बाई बस, यस इट इज करेक्ट. ही विल फिनिश द वर्क बाई दिस संडे, बिल्कुल सही है ये भी. You have to finish this work within 4 hours. बिल्कुल सही ये भी है. He will come in January. This sentence is also correct. Next example, he is going towards your college. So towards means उस direction में नहीं जा रहा, answer होगा he is going to your college. To is the correct answer here. Now the train is going to New Delhi. Because it's a destination. You should not have any hatred towards the poor. Okay. 15th example. Up to 1920 people did not know about cell phone. Exactly. Structure is correct. The ball jumped onto his shoulder. Because it's in motion. Next example. He walked across the road. Bilkul sahi hai. His house is across the river. बिल्कुल सही है. This is also right. There is a bridge across the river. Also over is यहाँ पर भी सही होगा. There is a bridge across the river or over the river. Next example. The train was passing through the tunnel. Okay. I got your invitation through my manager. This is also correct. Next example, despite of being rich, he does not help anybody. Despite के साथ of नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पर despite होगा. Next example, in spite of being poor, he helps even the kings. बिल्कुल सही, in spite के साथ of आएगा. I met a team which comprises of 11 players. Comprises of गलत होता है, यहाँ पर answer होगा, I met a team which comprises 11 players. Next example, this book consists of 500 pages. Consists के साथ of always आता है. 19th example, he has been working here for 2003. For is wrong here, answer होगा since 2003. He had been helping them since 10 years. Since is wrong, answer होगा for 10 years. 20th example, his chair's leg was broken. So, बिल्कुल it's a wrong structure. Correct structure है, the leg of his chair was broken. Next example, he jumped off the car. Double F, O double F, बिल्कुल सही है. It's the separation in dynamic motion. He jumped from the car. This is also correct. And he jumped off the roof. It is wrong. Correct answer होगा, he jumped from the roof. Okay, so these were the 10 most confusing pair of words और उनके साथ 20 examples which are also very important for any competitive exam. Okay, thank you for watching the video. Stay tuned and please subscribe the channel and share this among your friends. Okay, तो ऐसे videos के लिए और भी हमें follow करें. Thank you.